लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए ये बात तो है प्रदेश की राजनीति की, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी सरकार गिरी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। लेकिन विधानसभा भंग का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला, लेकिन क्या ऐसा हो जाने भर से बीजेपी की टेंशन दूर हो जाएगी? आखिर घाटी में बीजेपी बना विपक्ष की जंग कौन जीतेगा? देखिए खबर के पीछे की खबर। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में महागठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन अमली जामा पहनाए जाने से पहले राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर इन कोशिशों की हवा निकाल दी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद से राज्यपाल शासन लगा था। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधानसभा भंग करने की मांग लगातार उठा रही थी, लेकिन चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। जबकि बीजेपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की कवायद में थी, लेकिन बहुमत का आंकड़े के लिए उन्हें 18 अन्य विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में विपक्ष की पार्टी में टूट के बिना मुमकिन नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी ने क्या खोया? जम्मू कश्मीर की सियासत में बीजेपी पहली बार 2015 में 25 विधायक जीतने में सफल रही। पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन दोनों के बीच 40 महीने ही सरकार चल सकी। दोनों पार्टियों के बीच सरकार में रहते हुए भी बेहतर तालमेल नहीं दिखे। वहीं बीजेपी 25 सीटें जीतने के बाद भी 5 साल राज्य की सत्ता में नहीं रह सकी। पार्टी के कई विधायक पहली बार चुनाव जीते, लेकिन वो बतौर विधायक 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी को क्या फायदा? बीजेपी की तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की कोशिश के बीच एक दूसरे के कट्टर विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साथ ही कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की कवायद में जुटे थे, लेकिन इनकी सरकार बनती इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा को बंक कर दिया। इस तरह से विपक्ष मिलकर भी सरकार नहीं बना सका। अगर ऐसा होता तो यह गठबंधन 2019 के आम चुनावों में भी बड़ी ताकत बन सकता था। पीडीपी को क्या नुकसान, क्या फायदा? रहे थे, लेकिन चुनावों के लिए राजी नहीं थे। अगर तीसरे मोर्चे की सरकार वजूद में आती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी टूट सकते थे। ऐसे में विधानसभा भंग होने से विधायकों की टूट से पार्टी बच गई, लेकिन पार्टी को यह नुकसान हुआ कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। कांग्रेस को क्या नुकसान, क्या फायदा? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास 12 विधायक थे। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि विधायकों के टूटने का खतरा पार्टी पर लगातार बना हुआ था। विधानसभा भंग होने से कांग्रेस को यह नुकसान हुआ
कि 2019 के चुनाव से पहले राज्य में महागठबंधन वजूद में नहीं आ सका। हालांकि पीडीपी की तरह कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचा ले गई। ये तो बात हुई फायदे और नुकसान की, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। पाकिस्तान से निर्देश मिलने पर सरकार गठन की कोशिश संबंधी बयान बीजेपी महासचिव राम माधव ने पहले दिया और फिर वापस ले लिया। उनके इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने उनसे सबूत मांगे तो जवाब में ट्वीट में बयान वापस ले लिया गया, पर साथ ही ये भी कह दिया गया कि उन्हें अगला चुनाव भी पीडीपी के साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए। खैर, बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी सरकार गिरी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के बीच नजदीकियां बढ़ती देखी गई। लेकिन इससे पहले कि कोई दावा पेश कर पाता, विधानसभा को ही भंग कर दिया गया। फायदा सीधे बीजेपी को मिला, लेकिन अब क्या ऐसा हो जाने भर से बीजेपी की टेंशन दूर हो जाएगी? क्या पिछले दिनों भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।